बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद नाज़रीन। आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। ये उन दिनों की बात है जब मैं शाहकोट के गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज में बतौर लेक्चरर अपॉइंट किया गया था। मेरी नौकरी काफ़ी मन्नतों मुरादों के बाद मुझे मिली थी, इसलिए मैंने शुरू दिन से ही सोच लिया था कि इस नौकरी में किसी किस्म की कोताही नहीं करूँगा। अगरचे मेरी पोस्टिंग दूर दराज एक देहाती इलाके में हुई थी, लेकिन मेरा जोश और जज्बा इस कदर बुलंद था कि मेरे लिए ये मुश्किलात कोई मायने नहीं रखती थी। ये उन दिनों की बात है जब शाहकोट में सड़कें और गलियाँ ज़्यादा पक्की ना थीं, आमदोरफ्त के लिए तांगे भी इस्तेमाल होते थे, जबकि गाड़ियां सिर्फ अमीर लोगों के पास हुआ करती थीं। मैं भी अपने स्कूल जाने के लिए या तो तांगे का इस्तेमाल करता या फिर पैदल ही चला जाता। तांगे वाला अकरम बाबू मेरी बहुत इज्जत करता था क्योंकि उसका बेटा शहरयार मेरे कॉलेज में पढ़ता था। निहायत ही शरीफ बच्चा था, शाम को मुझे अपने घर से खाना देने भी आता था। जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी कि सावन का महीना आ गया। इस महीने में अगरचे आजकल बारिशें इतनी ज्यादा नहीं होती, मगर पहले वक्तों में पानी का बहाव ज्यादा होता था। दरख्त इस कदर थे कि हर दूसरे दिन बारिश हुआ करती थी। 90 के दहाई में खूब बारिश बरसा करती थी और माहौल में बाकायदा बदलाव आता था। ये उस दिन की बात है जब बारिश जोरों पर थी। काले बादलों ने पूरे शहर को ढका हुआ था। बरसात के महीनों में कभी कभी गाँव के आस पास मौजूद इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ जाता था, इसीलिए तभी लोग बारिश के आसार नजर आते ही अपने इलाकों से हिजरत करके दूर दराज के महफूज इलाकों में आ जाया करते थे। और शायद चचा बशीर भी इसी सिलसिले में किसी का सामान रखने गए होंगे। आजकल वो बहुत मसरूफ रहते थे, लोग उनके तांगे पर सामान लाद लाद कर अपने दूसरे घरों में मुंतकिल करते थे या फिर नकल मकानी करते थे। चचा बशीर आज मुझे लेने नहीं आए थे, शायद उनका बेटा भी इसी वजह से स्कूल से गैर हाजिर था। सो मुझे अकेले ही घर वापस जाना था। घर क्या था, किराए की एक बैठक थी जिसमें मैं अपने मुख्तसर से सामान के साथ रिहाइश पजीर था। बहरहाल मैं इसी तरह बेसरो सामानी के आलम में स्कूल से निकल आया। बेसरो सामानी इसलिए कह रहा हूँ कि आज ना तो मेरे पास खाने का डब्बा मौजूद था और ना ही पानी वाली बोतल, बिल्कुल ही खाली हाथ आया था और ऐसे ही जा भी रहा था। फिर मुझे रास्तों का भी अता पता नहीं था। हमेशा चचा बशीर के साथ ही कॉलेज आता था। रास्ते में उनके साथ गपशप होती रहती, वो तांगा चलाते रहते और मैं उनके साथ बातों में मगन होता। मैंने कभी नोट ही नहीं किया कि वो किन पगडंडियों और रास्तों से होते हुए कॉलेज पहुंचते हैं। बहरहाल आज मेरे घर जाने का इम्तिहान था। मुझे अगरचे रास्ते का नहीं पता था, लेकिन इतना ज़रूर मालूम था कि किसी न किसी से मालूम करके घर तक पहुँच ही जाऊँगा। मुझे यहाँ आए हुए एक महीना ही हुआ था। अभी मैंने आधा रास्ता ही तय किया था कि आसमान से बारिश शुरू हो गई। ये बारिश इस कदर जोरदार और अचानक थी कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला। बीच रास्ते में मेरे आधे कपड़े भीग गए। मजबूरन मैंने दौड़कर एक दरख्त के नीचे पनाह ली। बिजली भी जोरों की कड़कने लगी। अब तो मेरा दिल उछलकर हलक को आ रहा था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि इस तरह के मौसम में दरख्तों के नीचे खड़े होना कितना खतरनाक हो सकता है। इस तरह की खौफनाक बिजलियां मैंने इससे पहले नहीं देखी थी। मैं सोच ही रहा था कि इस दरख्त के नीचे से हटकर किसी मकान में पनाह लेता हूँ, लेकिन यहाँ आसपास दूर दूर तक किसी मकान का नामो निशान नहीं था। मैं मायूस खड़ा था, समझ में न आ रहा था कि क्या करूँ। तभी मेरी नज़र दूर से आते हुए एक टांगे पर पड़ी। तांगा काफी तेजी से चल रहा था, इसे एक बूढ़ा आदमी चला रहा था। मैं पहले समझा कि ये चचा बशीर होंगे, लेकिन करीब आने पर मालूम हुआ कि ये चचा बशीर ना थे। मुझे दरख्त के नीचे बारिश में भीगता खड़ा देखकर इन लोगों ने टांगा रोक लिया। मुझे बूढ़े ने इशारा किया कि आकर उसके टांगे में बैठ जाऊं। मुझे और क्या चाहिए था, मैं दौड़ता हुआ उसके टांगे के साथ तकरीबन बूढ़े के साथ लगकर बैठ गया। ऐसा इसलिए कि पीछे वाली सीट पर दो लड़कियां बैठी हुई थीं। मेरे बैठते ही बूढ़े ने घोड़े की बाग खींची और घोड़ा सरपट भागने लगा। सड़क पर दौड़ते हुए घोड़े को चंद ही मिनट गुजरे थे कि एक बड़ी सी हवेली आ गई।
बूढ़े ने घोड़े को रोककर तांगा एक जगह खड़े किया और हमें अंदर चलने का कहकर खुद घोड़े का तांगा अलग करने लगा। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। तांगे में बैठी हुई लड़कियों में से एक लड़की मेरे साथ आई और कहने लगी, आप इस तरफ को चलिए, हवेली का मर्दाना इस तरफ है। तो गोया ये कोई हवेली थी, किसकी हवेली हो सकती है ये? आज तक मैंने इसके बारे में सुना क्यों नहीं? मैं ये सोचता हुआ हवेली के कुशादा दरवाजे से अंदर आ गया। लड़की मुझे मर्दाने तक पहुँचा कर वहाँ से चली गई। अंदर आने पर मुझे एक आलीशान कमरे में बिठा दिया गया। मैं यहाँ आ तो गया था लेकिन बहुत ही अजीब लग रहा था। मुझे यहाँ बिठाने का मकसद क्या है? लगता है ये लोग अपने असाचा की बहुत इज्जत करते हैं। मैंने दिल में सोचा कि मुबादा इसी हवेली का कोई लड़का कॉलेज में पढ़ता होगा। यही सोचकर मैं मुतमईन बैठा था कि वही बूढ़ा जो हमें तांगे से यहाँ लाया था हांफता हुआ अंदर आया। उसके अंदाज से तो लग रहा था कि इसे शदीद सर्दी लग रही है, लेकिन उसका चेहरा हशाश बशाश था। मैंने देखा, मेरी तरफ देखकर उसकी आंखों की चमक बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था मुझे यहाँ किसी खास मकसद के लिए लाया गया है। न जाने क्यों अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। हवेली के मुलाजिम भी अजीब वजा कता के थे। इनके कद मामूल से ज्यादा लंबे थे, जबकि चेहरे पर वहशत छाई हुई थी। दूसरी तरफ इस बूढ़े का अंदाज भी गैर मामूली था। इसकी सफेद दाढ़ी इसके पेट तक जा लगती थी, जबकि सर पर सफेद रंग का अमामा बांधा हुआ था। बूढ़े ने मुझे बड़े हॉल से अंदर की तरफ आने का इशारा किया। मैं बिना सोचे समझे उठ खड़ा हुआ। जाहिर है मुझे यहाँ के आदाब के बारे में नहीं पता था। बूढ़ा आके आके चलता रहा, यहाँ तक के लंबी सी राहदारी खत्म हो गई। अब हम एक तारीख से कमरे में दाखिल हो गए। यहाँ का माहौल ऐसा सनसनीखेज था कि मुझे किसी गड़बड़ का एहसास होने लगा। लेकिन जब तक बूढ़ा अपने मुंह से कुछ न कहता, मैं उसे क्या कह सकता था। मैं चुपचाप उसके साथ खड़ा रहा। इस कमरे में हॉल के बरक्स किसी किस्म के सोफे, कुर्सियां या फिर मखमली पर्दे नहीं थे। ये एक खाली कमरा था। सिवाय फर्श और कालीन के यहाँ कुछ भी नहीं था। दीवारों पर अजीबोगरीब नक्शोनिगार बने हुए थे। मैंने गौर किया तो दीवारों पर कुछ जानवरों की हड्डियां भी लटक रही थीं। अब तो मेरे दिल ने तस्दीक कर दी कि मैं गलत जगह पर फंस गया हूँ। तभी मैंने हवेली से बाहर निकलने का सोचा, लेकिन इससे पहले कि मैं ये इरादा करके बाहर निकलता, मैंने देखा कि कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था, जबकि वो बूढ़ा आदमी भी वहाँ नहीं था। उसके गायब होते ही मेरी तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया। खौफ से रुआ रुआ कांपने लगा। समझ में न आता था कि बूढ़े ने मुझे यहाँ बंद क्यों किया है। यकायक कमरे में हवा की साई साई जैसी आवाज आने लगी और कमरे की रोशनियां जलने बुझने लगी। मैं सहम कर दीवार के साथ खड़ा हो गया, लेकिन मुझे अगले ही पल महसूस हुआ कि दीवार के साथ कोई ऐसी अनजानी ताकत है कि मुझे अंदर की जानिब धकेल रही है। काफी देर यही एहसास कायम रहा। मैं दीवार के पास से कदम हटाने के काबिल भी न रहा। मेरा डर और खौफ इंतहा को पहुंच चुका था कि अचानक दरवाजा खुला और वही बूढ़ा कमरे के अंदर दाखिल हुआ। अब की बार इसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। इसने अपने हाथों में बड़ी सी ट्रे उठा रखी थी, जबकि चेहरे पर खबासत टपक रही थी। मैंने गौर से देखा, इसके दांत काफी बाहर को लग रहे थे, जबकि हाथ भी बड़े बड़े थे। बूढ़े की बदली हुई हैबत देखकर मैं खौफ से काम कर रह गया। बूढ़े ने आन की आन दरवाजा बंद किया और मेरी तरफ खौफनाक नजरों से देखते हुए भरने लगा। मेरा रुआ रुआ कांप रहा था। बूढ़े ने मुझे खींचकर दीवार से अलग किया और अपने सामने बिठा दिया। फिर उसने बुलंद आवाज में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। वो जो कुछ भी पढ़ रहा था मेरी समझ से बाहर था। ये कोई नामालूम सी जुबान थी। बूढ़ा ऊंची आवाज में पढ़ता गया और दीवार से छोटे छोटे काले रंग के आदमी निकलने लगे। इन काले बोनों के सर पर घुंघरियाले बाल थे। इनकी शक्लें भी बूढ़े की मुशाबह थीं, लेकिन इनके कद हल्के और जिस्म फूले हुए थे। बूढ़े ने फिर कुछ अजीबोगरीब जुबान में पढ़ना शुरू कर दिया तो मुखालिफ सम्त से इसी तरह की लड़कियां निकलकर आने लगी। जब औरतें और मर्द एक जगह पर इकट्ठे हो गए तो दोनों ने एक तरफ सफ बना ली। औरतों की सफ अलग थी, जबकि मर्दों की सफ अलग थी। जबकि दूसरी तरफ बूढ़ा बैठा हुआ था। ये एक खानदान का हिस्सा लग रहे थे। मैं खौफ से थर थर कांपता बूढ़े के ऐन मुखालिफ सम्त पर बैठा हुआ था। ये सब लोग मुझे अजीबोगरीब नजरों से देख रहे थे। इन काले बोनों की आंखों में मुझे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी।
बूढ़ा मुसलसल मुझे देख रहा था। बूढ़े ने सबको खामोश रहने का इशारा किया। अब सब लोग खामोश हो गए तो कमरे में वही सन्नाटा छा गया जो चंद देर पहले था। थोड़ी ही देर के बाद एक औरत नमोदार हुई। ये औरत बूढ़े की हम उम्र लग रही थी। इसके सर पर एक ताज रखा हुआ था जबकि आंखों में वह लाल अंगारे रोशन थे। इसने ताली बजाकर इन लोगों को मुखातिब किया और उसके कहते ही सारे बोने और औरतें उठ खड़ी हुईं। औरतों के कद भी इस औरत से कदरे छोटे थे। औरत के कहने की देर थी कि ये सब उठकर नाचने लगे। ऐसा लग रहा था इन्हें बरसों बाद कोई खुशी मिली हो। मैं हक्का बक्का ये सब देख रहा था। हिलना चाहता तो हिल ना पाता। लग रहा था किसी ने पांव पर मनु वजन रख दिया हो। मेरी जिंदगी में ये वाकया और ऐसे मनाजिर पहली बार देखने को मिल रहे थे। शायद आप यकीन ना करें लेकिन जब इंसान पर कोई हकीकत आती है तो फिर इंसान को उसका यकीन करना ही पड़ता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं इन रक्स करते बोनों को देख रहा था यहाँ तक कि इनका रक्स खत्म हो गया और ये एक बार फिर पुरसकून होकर बैठ गए। अब इनकी नजरें फिर मुझ पर जम गई थीं। ऐसा लग रहा था मैं इनका शिकार हूँ जिसे मिलने की खुशी में ये लोग इतना जश्न मना रहे हैं। फिर बूढ़ी ने आगे बढ़कर मुझे बाजू से घसीटा। मुझे तो लगा कि मैं उसके सामने किसी चोटी से भी हल्का हूँ। मुझे घसीट कर इन लोगों ने एक पत्थर की सिल पर बिठा दिया। मुझे अपना आप कुर्बानी के बकरे की तरह महसूस हो रहा था जिसे चंद ही लम्हों में जिबा कर दिया जाएगा। फिर औरत ने आगे बढ़कर बूढ़े को इशारा किया। वो लंबे लंबे कदम भरता मेरे करीब आ गया। इन लोगों ने मेरी तरफ एक अलविदाई नजर डाली और एक बड़ा सा लोहे का डंडा लेकर मेरी टांगों पर मार दिया। मैं तो दर्द से बिलबिला कर रह गया। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली और साथ ही अल्लाह का नाम मेरी जुबान से जारी हो गया। उस वक्त मुझे होश आया कि मुझे अपने रब से मदद देनी चाहिए। मैंने मुसलसल आयतुल कुर्सी का वर्द करना शुरू कर दिया। बूढ़ा और बूढ़ी मुझे आयतुल कुर्सी का वर्द करता देख कर सख्त घबरा गए लेकिन उनके चेहरों पर गुस्सा नुमाया था। गोया वो मेरे इस अमल को बहुत नापसंद कर रहे थे। मगर मैं बाआवाज़े बुलंद आयतुल कुर्सी पढ़ता गया यहाँ तक के बूढ़े और औरत का गुस्सा ठंडा होकर बेबसी में बदल गया। जबकि वो बोने जो थोड़ी देर पहले ही नाच रहे थे एक जगह जमा होकर बैठ गए। वो भी खामोशी से ये तमाशा देख रहे थे। वो बूढ़ा आदमी और औरत मुझसे मुसलसल जंग करने में मसरूफ थे जबकि मेरी आवाज़ मुसलसल कमरे में गूंज रही थी। बिलाखिर ये थक गए। बूढ़े और बूढ़ी ने आखिरी बार एक तरफ देखा और मुझे एक धक्का दे दिया। मैं औंधे मुँह जाकर नीचे जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद न जाने क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक सड़क पर पड़ा था। ये सड़क कदरे वीरान थी। मैंने इधर उधर आंखें मलकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। बारिश काफी देर पहले ही रुक चुकी थी। ठंडी हवा हर तरफ चल रही थी। मेरी रूह को खुशगवार सा एहसास हुआ। मैंने नजरें घुमाकर इधर उधर देखा तो मालूम हुआ कि मैं उसी वीराने में पड़ा हूँ जहाँ से बूढ़े ने मुझे तांगे में बिठाया था। मुझे उस हवेली का ख्याल आया तो मैंने इधर उधर मुड़कर देखा। वो हवेली जूं की तूं वहीं मौजूद थी। तो क्या ये वाक्या सच्चा था? मैंने दिल ही दिल में सोचा। अगर हाँ तो फिर इस हवेली में कौन रहता है? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और ये लोग मुझसे क्या चाहते थे? उफ खुदाया मैं कहाँ फंस गया था, मैंने सोचा और उठकर जमीन पर बैठ गया। मुझे यहाँ बैठे 2 मिनट ही गुजरे थे कि चचा बशीर का तांगा वहां से गुजरा। मुझे जमीन पर पड़ा देख कर वो परेशान हो गए। मेरे पास आकर बोले, बेटा तुम कहाँ रह गए थे? मैं तुम्हें स्कूल में भी लेने गया था लेकिन तुम सुबह से वहाँ मौजूद ही नहीं हो। चचा बशीर ने ये कहकर मुझे हैरान कर दिया क्योंकि मैं तो छुट्टी के बाद यहाँ आया था। चचा बशीर से मैंने वजाहत मांगी तो कहने लगे, तुम्हें गायब हुए पूरा 1 दिन गुजर चुका है। तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं स्कूल गया था कि शायद तुम स्कूल में ही रुक गए होगे बारिश की वजह से, लेकिन स्कूल बंद था। मैंने सोचा अब शायद तुम अंदर ही रह गए होगे। फिर सुबह जाकर पता किया तो तुम तब भी वहाँ नहीं थे। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी बेटा, उन्होंने तशवीश से कहा। तो मैंने उन्हें हवेली का सारा वाक्या सुना दिया। अपने सर पर हाथ मारकर चचा बशीर ने कहा, बेटा तुम्हें किसने कहा था उस हवेली जाने का? शायद तुम्हें मालूम नहीं है। यहाँ के लोगों ने क्या तुम्हें बताया नहीं कि इस हवेली पर बरसों से जिन्नात का कब्जा है? यहाँ तो इस हवेली के मालिक नहीं रह सके। इन्होंने कितनी बार कोशिश की
अपने बेटे और बहू को यहाँ बसाने की, लेकिन ये जिन्नात इस कदर शरारती और आदमखोर हैं कि यहाँ पर कोई इंसान ज्यादा अरसा टिक नहीं सकता। शुक्र करो बेटा कि आज तुम जिंदा बच आए हो, वरना जो इस हवेली में एक बार जाता है उसकी लाश ही यहाँ से बाहर आती है। चचा बशीर की बात सुनकर मैं अंदर तक बहल गया, क्योंकि हकीकत तो यही थी कि उन जिन्नात के इरादे नेक नहीं थे। वो तो मुझे अल्लाह के कलाम ने बचा लिया, वरना शायद आज मैं आपको ये कहानी ना सुना रहा होता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।